हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किरण कुक क्वीन में। दाल तड़का बहुत तरीके से बनता है, बट मैं आज जो बता रही हूँ वो थोड़ा अलग ही तरीका है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिए सबसे पहले 250 ग्राम दाल। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप उस हिसाब से लीजिए। फिर इसे दो पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसकी गंदगी दूर हो जाए। दाल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कुकर नहीं हो तो आप तपेली में इसे अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है बनाने के लिए तो आप कुकर का यूज़ ही कीजिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे कुकर में जो वॉश की हुई दाल थी, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसे फिर इसमें डाल देंगे। और दाल में पानी उतना ही डालना, दाल अच्छे से डूब जाए। अगर आपको दाल ज़्यादा गीली खानी है या थोड़ी सी पानी वाली खानी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए। अगर आपको गाढ़ी खानी है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उसके बाद हम दाल तड़का बना रहे हैं तो इसके लिए स्पेशल तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। पर हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, दाल में हल्दी और नमक थोड़ा ही डालना है बॉईल करते टाइम, क्योंकि हम तड़के के टाइम भी इसमें हल्दी और नमक का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर, 2 से 3 लौंग, और इसे अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देंगे। हमें ज़्यादा सीटी नहीं लेना है, 1 से 2 सीटी ही लेना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी। 2 सीटी आ चुकी है, अब देखते हैं दाल अच्छे गली है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, दाल का कलर कितना अच्छा है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। अब बारी है दाल को फ्राई करने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तब तक हम निकाल लेते हैं दाल में डालने के लिए मसालों को। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब बारी है दाल फ्राई करने की। अब डालेंगे इसमें जीरा, और थोड़ी सी राई, इसे अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। अब डालेंगे इसमें हींग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हींग डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन, उसे अच्छे से पकने देंगे। और इसके बाद डालेंगे हम प्याज और अदरक, इसे अच्छे से ब्राउनिश होने देंगे। इसे अच्छे से पकने दीजिए, नहीं तो दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लहसुन प्याज और अदरक से अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम हरी भरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च। अगर आपको थोड़ी सी फीकी दाल खानी है तो यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डालना ज़रूरी है। इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च आप थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप बिल्कुल लाल मिर्च डालिए। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। तो
दोस्तों मसाला अच्छे से मिल गया है और पक गया है। अब बारी है जो दाल अपन ने बॉईल की थी उसे डालने की। तो धीरे धीरे जो दाल बॉईल की थी वो जो मसाला है उसमें डालेंगे और धीरे धीरे अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे। अगर आपने दाल को बॉईल करते टाइम पानी कम डाला है तो यहाँ पर आप थोड़ा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिला सकते हैं। दाल अच्छे से पक चुकी है, अब डालेंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया सब्जी और दाल की जान होती है तो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब बारी है इसमें तड़का लगाने की। अब दाल तड़का बना रहे हैं और तड़का ना लगाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम तड़का लगाने के लिए तड़के पैन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास तड़के का पैन नहीं हो तो आप जिससे दाल फ्राई करते हैं उस चम्मच से भी तड़का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम तड़का पैन में डालेंगे घी, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, जो है हर घर का हीरा। फिर डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च। ध्यान रखिए दाल में तड़का डालने के तुरंत पहले ही लाल मिर्च को डालें। हमारी दाल तड़का बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।